मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। प्रोटेस्ट करने का हम पिछले काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। हमें जो कैलेंडर नोटिस हुआ था और जो एग्जाम हमारे 16 को थे, बट सडनली लेट नाइट क्या होता है कि एक ट्वीट आता है JKSSB ऑफिशियल की तरफ से कि ये हम इस एग्जाम को डिफर कर रहे हैं। बस हम हमारी आज जो प्रोटेस्ट करने का यही था कि हम जो एग्जाम जो डिफर किए हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो एग्जाम हो, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये नोटिफिकेशंस को पिछले 3 साल हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं। पहले भी मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं JKPSSI में पिछली बार भी मेरे अच्छे मार्क्स थे और मैं मेरिटोरियस कैंडिडेट्स में था कि मेरे को पता था कि मेरे फिजिकल के लिए, क्योंकि SI जो है 3 stages की सिलेक्शन प्रोसेस है। फाइनेंस में मेरा सिलेक्शन था, हमने 47 दिन प्रोटेस्ट किया, बट ड्यू टू जो इरेगुलेटरीज वो जेके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उसको लिस्ट को क्वाश किया, हमने वो भी एक्सेप्ट किया। बट अब क्या हो रहा है, अब क्या आज कल हम सुनते हैं JKSSB ऑफिशियल साइट की तरफ से कि ये आता है कि इस एग्जाम को डेफर कर रहे हैं। हम यही पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपने ये एग्जाम डेफर क्यों की है, डेफर करने की क्या वजह, हम पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप डेफर पे डेफर करे जा रहे हो। हम चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी से जल्दी हो और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया जाए, जो पीछे बाकी एग्जाम्स हुए हैं उनकी PET करवाओ और सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए।